नाम बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा? हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, दुखदायी घटनाक्रम, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। कांग्रेस की जो नीति, वो पंडित तो बने रहे लेकिन पंडित को भुला गए। पंडितों की क्या दुर्दशा हुई बात में, आज तक लोग कहते हैं तो लगता है कि सचमुच में मन के अंदर वो व्यथा, वो कष्ट जो फिल्म में दिखाया गया वो तो कम है, जो रियल है और भी ज्यादा है। हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे ही लोग लिखते थे, उनमें फंस गए। किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा। हाँ भाई, 4G और इंटरनेट की बात तो जरूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो जमीन है वो वहाँ क्यों नहीं? एक सहानुभूति के तौर से कि अब उनको, और 32 साल तक किसी ने महसूस ही नहीं होने दिया कि ये हुआ भी था उनके साथ, तो इस फिल्म के साथ एटलीस्ट उनको लगता है कि अब हमारी कहानी पूरी दुनिया तक गई है। सात सौ टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा किए, वो भी हर एक के घर जा जाके, जगती में जाके, दिल्ली के जहाँ पे वो रहते थे उनके घरों में जाके उन्होंने वो टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इस दिस जस्टिस? जी हां, 32 साल का अनकहा सच। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। और कहा यह जाता है कि टूटे हुए लोग अपनी कहानी सुनाते नहीं, उनकी कहानी सुननी पड़ती है। यह डायलॉग इसी द कश्मीर फाइल्स का है, और साल 1990 का अगर जिक्र होता है तो यह पूरा सिनेरियो याद आ जाता है। इस साल को याद करके जहन में एक दर्द ताजा हो जाता है, एक टीस उभर आती है। यह साल था जब कश्मीरी पंडितों के लिए उनका अपना घर ही बेगाना हो गया। यह वो साल था जब कश्मीरी पंडितों पर सिर्फ अत्याचार नहीं हुआ, उनका नरसंहार हुआ। कश्मीरी पंडितों के इसी दर्द को समेटे फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स। इसमें कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र है, लेकिन आज इसी फिल्म पर बहस हो रही है, विरोध हो रहा है, सपोर्ट भी हो रहा है। फिल्म बनाने वाले कह रहे हैं कि इसमें 32 साल पुराना वो दर्द है जिसे आज तक दिखाने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। आखिर कश्मीरी पंडितों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्यों कश्मीरी पंडित आज तक अपने घर नहीं लौट सके? और आज कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने वाली फिल्म पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? इस रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76,
कि वो देश हित में कोई भी बात नहीं करते हैं। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन उनकी उनकी हर बात में डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टिव बात होती नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के बारे में बात करना जिनके देश के प्रति कोई प्यार ही नहीं है, उन लोगों के प्रति कोई प्यार ही नहीं है जिनको अपने देश में इतने सालों से रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है। उधर फिल्म का निर्देशन किया है डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने, फिल्म निर्देशक। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि फिल्म जब थिएटर पर पहले दिन लगी तो विवेक अग्निहोत्री भी अपने आंसू को रोक नहीं पाए। हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे ही लोग लिखते थे उनमें फंस गए। किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा,
हाँ भाई 4G और इंटरनेट की बात तो जरूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो जमीन है वो वहां क्यों नहीं है। तो विवेक अग्निहोत्री को आप सुन रहे थे। निश्चित तौर पर जब से ये फिल्म आई है इसको लेकर एक बड़ा तबका है जो बिल्कुल खुलेआम सपोर्ट पर उतर आया है, खुलकर कह रहा है कि इस फिल्म को देखिए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये कहने पर लगातार उतारू है कि इस फिल्म को फिल्म जैसे ही देखिए, इस फिल्म में दिखाई गई कहानी पर आप उतना विश्वास मत कीजिए, ये तय आपको करना है। सीधे रुख करते हैं लखनऊ, हमारे साथ मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके साथ विस्थापित कश्मीरी परिवार मौजूद है। मयूर जरा बात कीजिए, उस दर्द को आज जरा निकालने की कोशिश कीजिए जो दर्द आज द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए विवेक, कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्बरता उस दौरान हुई उसकी कहानियां तो लगातार हम सुनते रहे, लेकिन असल में अब एक फिल्म आई है जो सच्ची तस्वीरें दिखा पा रही है। और असल में ये फिल्म कितनी सही है उसके लिए हम सीधे एक कश्मीरी पंडित परिवार है, राजधानी लखनऊ में मौजूद है, काफ़ी लंबे अरसे से लखनऊ में रह रहे हैं, दीपक काचरू जी हैं अपनी फैमिली के साथ, आज भी इनका जो है घर वहाँ पर मौजूद है, काफ़ी आलिशान घर है, इन्होंने अपनी तस्वीरें वहाँ की घर की हमको दिखाई। लेकिन इनसे जानेंगे कि जो फिल्म ये देख कर आए, सर फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या असल तस्वीरें जो आपने अपनी आंखों से वहां पे देखा था विस्थापन के समय, क्या उस तरीके की तस्वीरें फिल्म में दिखाई गई हैं? फिल्म में जो कहानियां जो दी गई हैं वो बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे आधारित है। और ऐसा जैसे बंदामा का केस दिखाया गया है, गिरजा टिक्कू जी का केस दिखाया गया है, गिरजा टिक्कू जी के साथ वहां पे आरे पे काटा गया था, रेप हुआ था, और कई चीजें बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बेस्ड पिक्चर है। विवेक रंजन जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है मूवी का, और एक्टिंग सबकी बहुत लाजवाब है इस पिक्चर में। ये पिक्चर आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी, गाने वाने नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन आप फिर भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते हो। बहुत अच्छी पिक्चर बनाई गई है, बहुत अच्छी डायरेक्ट की गई है, और जो स्टोरी है हम लोगों के बारे में वो बिल्कुल सच्ची है। और शायद एक दो पार्ट और बनाने चाहिए क्योंकि घटनाएँ बहुत सारी हुई हैं, और अगर एक और पार्ट बने तो बहुत ही जरूरी है ये। सर लेकिन आप, क्योंकि जब वहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तब आप बता सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने क्या हुआ, क्या दृश्य था, आपने क्या कुछ देखा? ये तो एक फिल्म है, लेकिन असल में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थिति थी वहां पे उस वक्त। जो इसमें दिखाया गया है परिस्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी, पुलिस वाले बिल्कुल किसी की नहीं सुनते थे, पुलिस वाले वहां पे उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है एक सीन में कि वहाँ का DGP उनसे कहता है कि भाई तुम्हें सिक्योरिटी के लिए खड़ा किया है, तुम यहाँ हथियार लेके खड़े हो, तुमने उस परिवार को बचाया क्यों नहीं, जो अनुपम खेर जी का परिवार था। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं, मुझे कमांडर का ऑर्डर आया था, मैं आपकी बात कैसे सुनूँ। कमांडर का मतलब था बिट्टा कराटे, मतलब वहाँ का टेररिस्ट। तो वो टेररिस्टों की बात सुनते थे, उनके सामने लोगों को मारा गया पुलिस वालों के, लेकिन पुलिस वहाँ पे खामोश खाली दर्शक बनी रहती थी। हमारा सपोर्ट किसी ने नहीं किया, आर्मी अंदर आ नहीं सकती थी, उनको पावर नहीं थी, और जो पुलिस वहाँ का प्रशासन था, जो चीफ मिनिस्टर आर्मी को पावर क्यों नहीं थी सर? उस समय की जो सरकारें थी क्या उन्होंने पावर नहीं दी थी उनको अंदर आने? बिल्कुल कमज़ोर सरकार थी VP सिंह साहब की, और उस कमज़ोर सरकार के अंदर इतना ज़्यादा जो हुआ वो उसी वही वजह थी। हमारे देश के जो गृह मंत्री थी वो खुद कितने अच्छे थे आप समझ ही सकते हो, पूरी घटनाएं सबके सामने है, देश जानता है उनकी बेटी को कैसे किडनैप किया, किडनैपर कौन था, जो किडनैपर था वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ मिला रहा है कांग्रेस सरकार के। तो ये आप पूरी कहानी को आप देखो, आज उसके बाद उनकी जो बहन है वो बहुत अच्छी यासिन मलिक की, और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, यासिन मलिक के ही ग्रुप ने उनकी बहन का किडनैप किया था। आप देखिए ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं, आज की तारीख में सब कुछ सामने है, सब कुछ है, सारे कातिल हैं, सबने अपनी सब कुछ होने के बाद, सब कुछ कबूलने के बाद भी आज फ्री घूम रहे थे इतने सालों से। अभी तो पकड़ा गया है उनको, शायद कार्रवाई होनी चाहिए। और मैम प्रधानमंत्री मोदी जी आज खुद उन्होंने ये बात कही कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, क्या कहिएगा आप क्या अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगी, और आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगी कि आपकी जो परिस्थितियां रही कश्मीरी पंडितों की, क्या इस फिल्म के जरिए पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों को देखना चाहिए? जी बिल्कुल देखना चाहिए, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है और बिल्कुल सच्चाई दिखाई है, ऐसी पिक्चरें और बननी चाहिए और लोगों को और प्रमोट करना चाहिए ऐसी पिक्चरों को, बहुत अच्छी मूवी और सबकी एक्टिंग भी इतनी अच्छी, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। बहू बेटियों के साथ वहां पर जो हरकत की गई, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सम्मान की बात होती है हिंदुओं के लिए भी, या जो कश्मीरी पंडित वहां पे थे, आपको क्या लगता है क्या तस्वीरें थी, और अभी आपका जीवन जो है कैसे व्यतीत हो पा रहा है यहां लखनऊ में?
नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी जो वहाँ की यादें हैं वो तो रहेंगी ही, और बिल्कुल सच्चाई दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसको गवर्नमेंट को ज़रूर इसके लिए कुछ करना चाहिए। घर सर आज भी आपका वहाँ पे है? हमारा पुश्तैनी एक घर है रैनावारी के अंदर, और मैं अभी गया था सितंबर में लास्ट ईयर, देख के आया था वहाँ पे। घर वैसे ही है, मतलब चार पुश्तैनी घर एक्चुअली कई लोगों के साथ होते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो एक हिस्सा अभी नहीं बेचा है, बाकी हम लोगों ने बहुत पहले बेच दिया। वहाँ पे आपको जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे सर, रहना चाहेंगे वहाँ पे? मयूर लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि इस दर्द को सुनने के लिए, और जो उस वक्त हुआ 32 साल पहले, जो अब तक सामने नहीं आया, अब इस फिल्म के माध्यम से सामने आ रहा है, तो इसको हम फिर से सुनेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि जो तस्वीर दिखाई गई इस फिल्म के माध्यम से, क्या सच वैसा ही है या उससे भी ज्यादा खतरनाक था। हमारे साथ अशोक मनवटी जी जुड़ गए, आप भी विस्थापित कश्मीरी हैं। अशोक मनवटी जी, फिल्म देखी आपने, द कश्मीर फाइल्स? बिल्कुल देख ली। और जो उस वक्त हुआ 1990 में, बिल्कुल 100% सही दर्शाया गया है, हालांकि ये बहुत ही ब्रीफ एक सैंपल उसमें दिखाया गया है, इससे तो कई गुना हुआ है, लेकिन अब 3 घंटे में 3.5 घंटे में फिल्म प्रोड्यूसर कितना दिखा सकता था। बिल्कुल आ जाता है, इसमें एक डायलॉग है कि टूटे हुए लोग अपनी कहानी सुनाते नहीं, उनकी कहानी सुननी पड़ती है। 32 साल लग गए सर इस कहानी को सुनने के लिए, आपको लगता है कि देरी हुई है और अब तक कुछ हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल कोई इस सब्जेक्ट को कोई टच नहीं करना चाह रहा था, कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ऐसी सरकारें थी जो इसको नीचे डस्टबिन की तरह नीचे डालना चाहती थी, डस्टबिन में। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी के हम बहुत ही आभारी हैं, उन्होंने एक हिम्मत करके इस फिल्म को सामने लाया, इसका फिल्म माध्यम से जो है। अशोक जी, हम चाहेंगे कि आप भी जरा उस वक्त की, उस दिन की घटना याद करके हमें बताइए, आप भी विस्थापित कश्मीरी, आपने क्या देखा था, जहन में कुछ तो यारे ताजा होंगी अभी। देखिए, दो चीजें मैं बताऊंगा, एक तो हमारे अंकल थे जी, मतलब अभी भी हैं, अंकल हैं, उनका केमिस्ट का शॉप था, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक रात उनके घर तो हमारा कॉमन था, उनकी दुकान पे नोटिस आ गया कि आप घर खाली कर दीजिए, नहीं तो हम कल मार देंगे हम आपको, ठीक है। तो विद इन अ डे और टू हमने जो है वहां से निकलना पड़ा, सारा परिवार निकल गया। 19 जनवरी की रात बिल्कुल हमें याद है, क्योंकि हमारा जो गौकदल एरिया था, जहाँ पे 19 जनवरी रात को पूरी रात करीब 4-5 लाख लोग आज़ादी के नारे लगा रहे थे, हर मस्जिद में एक ही आवाज़ आ रही थी, रेल्यू गलीविया सेल्यू, ऐसे कच्चे कश्मीर, जिसका अर्थ ये है कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी पंडितों के बगैर उनकी औरतों के समेत, समझ गए। तो ये नारे पूरी रात, और जितनी भी कश्मीर वैली में मस्जिदें थी उन सब में यही नारा गूंजता था, तो उसका कितना सहमा होगा एक कश्मीरी पंडित उस रात को, ये आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। जिस फिल्म में भी आप कह रहे, वो सीन तो इन्होंने नहीं दिखाया है किसी कारणवश, लेकिन हमारा सड़क पे ही मकान था, तो घर था, और उसके बाहर ही ये सारा हो रहा था, गौकदल के पास ही हमारा घर था, ठीक है। उस रात को कैसे हमने काटी है वो तो हम ही जानते, उसको हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि रोंगटे खड़े करने वाली बात है। अच्छा, अब ये आजकल ये बहुत ही ज्यादा काफी समय से चल रहा है कि जगमोहन ने बोला निकलो, नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। सच ये है कि 19 तारीख रात को जब ये सारा हो रहा था, 20-21-22 को जी, कश्मीरी पंडितों के कुछ जो लोग थे, लीडर लोग थे, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते थे उसमें 99% हिंदू मेजोरिटी रहते थे जी जी, तो कई लोगों का डेलीगेशन एक जगमोहन जी से मिला, लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं मान रही है, क्योंकि पुलिस में और जितने भी लोग थे वो सुनते ही नहीं थे, वो आतंकवादियों का सुनते थे और तो किसी का सुनते ही नहीं थे, जो आपकी फिल्म में भी इन्होंने दर्शाया। बिल्कुल अशोक जी, चूंकि एक लंबा अरसा हो गया है, 370 धारा भी हट गई है, और कहा जा रहा है कि जो होना चाहिए वो तो हुआ नहीं, आप वापस जाना चाहते हैं या वापस जो आपका घर था उसको हासिल करना चाहते हैं? और दूसरे सवाल मैं इसी में जोड़ रहा हूं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? विरोध जो कर रहे हैं वो अपना विरोध कर रहे हैं, वो अपने अस्तित्व का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति मालूम नहीं है। देखिए, मैं दो संक्षिप्त बात में आपको कहूंगा, हम बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्योंकि बचपन में जिस जगह आप पले बड़े हैं
उस आपके शरीर में, आपके मांस में, शरीर के मांस में उस जगह की खुशबू होती है, उसकी एक वाइब्रेशन स्पंदन होता है जो कोई कभी भूल नहीं सकता है। उस हवा की खुशबू एक होती है, वो कभी आप मरते दम तक नहीं भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और भूला भी नहीं जाता। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।